हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है यानी रीजनिंग का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 10:99:9 क्वेश्चन मार्क। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आप तो पहले सॉल्व करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10:99 कैसे है। अगर हम 10 को अगर रेशियो करते हैं तो यानी 100, ठीक है, माइनस 1 करेंगे तो 99, ठीक है। हमारा फर्स्ट का आ गया। अब सेकेंड का कह रहा है तो हम कैसे करेंगे। अगर 9 को हम रेशियो लेते हैं तो हमको मान के चलिए 9 का रेशियो कितना होगा दोस्तों, 81, ठीक है, स्क्वायर। और 81 के स्क्वायर अगर 1 करते हैं माइनस यानी 80, तो हमारा सेकेंड हो गया। यानी 9 का रेशियो यानी 80 हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24:35:80 क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम रेशियो करते हैं तो 24 करते हैं तो मान के चलिए अगर हम कितना आएगा, ये देखिए सबका अलग अलग स्क्वायर है। तो हम कैसे करेंगे, अगर 5 का रेशियो करते हैं, ये देखिए 5, ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम 25-1 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 24 यानी फर्स्ट। फिर देखिए दोस्तों, अगर 35 हमको चाहिए तो हम कितना कर सकते हैं, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, माइनस 1, तो 6 6 36 -1, ठीक है, तो हमको आ जाएगा 35 यानी 2 का, ठीक है। तो अगर हम 80 चाहिए हमको तो आप कितना कर सकते हैं, नॉर्मल का से 9 का कर सकते हैं स्क्वायर माइनस 1, यानी नॉर्मल का से 81 -1 इक्वल टू 80, ठीक है। तो आप ये हो गया फिर 1, ठीक है। तो अब देखिए हम 5 से 6 बढ़ाते हैं, 9 से 10 होना चाहिए दोस्तों, 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 हो गया 10 का, 100 -1 इक्वल टू 99, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 99 कहाँ है आपका दोस्तों, ये बी वाले में 99 है, यानी आपका आंसर 99 आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में हमारा देखिए दोस्तों आप, कि 5:126:8 रेशियो क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कैसे करिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। 5 का रेशियो अगर 126 चाहिए तो हम कितना कर सकते हैं, 5 को एक बार में करेंगे 25, फिर एक बार में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 125, ठीक है। तो अगर हम 5 का अगर हम क्यूब करते हैं प्लस 1 उसमें जोड़ते हैं तो 125 + 1 इक्वल टू 126, ठीक है। तो अगर 8 का स्क्वायर करना हो तो 8 × 8 × 8 करेंगे दोस्तों, यानी 8 का अगर हम क्यूब करते हैं प्लस 1, तो अगर हम इतना 8 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, आप जोड़िए 512, ठीक है, प्लस 1, ये आपको आएगा 512 + 1 इक्वल टू 513, यानी आपका आंसर होगा 513, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं 11:5:17 क्वेश्चन मार्क। ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए 11:5, ठीक है, अगर 11 को माइनस 1 करते हैं तो यानी 10th आता है, 10th को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 5 आ सकते हैं, ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट हो गया ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन के लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए अगर 17 है तो आप कितना कर सकते हैं, मान लीजिए 17 को अगर 17 17 -1 ये आपको 16 हो गया, और 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारा ये 8 आएगा, यानी 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, 8 आपका आंसर हो गया, यानी 8 का सेकंड का बी आपका
इसमें आंसर हो गया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से था, देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।